ये हमारे फ्रेंच फ्राइज विद कॉफी, लग रही है ना टेस्टी। आइए सिखाते हैं इसको फिर। आइए, हमने अपने फ्रेंच फ्राइज के लिए आलूओं को बॉईल कर रहे हैं, गैस पे चढ़ा दिए। तब तक हम बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। ये एक बाउल हमने बेसन ले लिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन और कलौंजी डाल देंगे। इसमें अब हम अपने मसाले ऐड कर देते हैं, नमक स्वादानुसार जैसा आप चाहती हैं। ये लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा कलर लाने के लिए हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला चुटकी भर, ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना टेस्ट उसका ख़राब हो जाएगा। अब आइए इसका घोल बना लेते हैं। आइए अब इसमें हम पानी डाल के अपना घोल बना लेते हैं। ज़्यादा ठीक नहीं रखना है घोल को, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर रखनी है, ना ज़्यादा ठीक हो ना ज़्यादा थिन हो। अभी देखिए ठीक है। ये कंसिस्टेंसी रखनी है हमको, ये देखिए सेम इतनी ही रखनी है आपको भी। आइए अब हम आपको, तब तक मेरे आलू बॉयल हो रहे हैं तब तक हम अपनी कॉफ़ी बना लेते हैं। इसमें हम एक गिलास पानी डाल देते हैं। जब ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा तब हम इसमें अपना दूध का पाउडर डालेंगे। दूध के पाउडर की कॉफ़ी बनाएंगे ना तो उसमें बहुत ही रिची टेस्ट आएगा। ये देखिए हमारा पानी बॉयल हो गया है। अब इसमें हम थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं, 3 टेबल स्पून, 1, 2 and 3। कॉफ़ी ज़्यादा मीठी अच्छी नहीं लगती है, लाइट मीठी अच्छी लगती है। अभी हम अपना दूध का पाउडर डाल रहे हैं क्योंकि हमारा वो बॉयल हो गया है अच्छे से। और इसको 2, 3 and 4 टेबल स्पून चलाते रहना है इसको ताकि ये पक जाए। फ्रेंच फ्राइज के आकार में पतले पतले काट लेते हैं। ऐसे ही बाकी कट कर लेंगे। ये हमने अपनी कढ़ाई को चढ़ा दिया, अपने हम आलूओं को फ्राई करेंगे। इसमें हमने एक बड़ी बाउल रिफाइंड ऑयल डाला, आप चाहें तो सरसों तेल भी ले सकते हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल में जब आपका तेल गर्म हो जाए तब आंच को थोड़ा स्लो कर देंगे। ये हम मेरा ऑयल हो गया है इसलिए हम ये धीमी आंच में सारे अपने आलू को अच्छे से डीप फ्राई कर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और आजकल तो बारिश का सीजन है तो वैसे भी ये सभी को पसंद आते हैं। इनको फ्राई करते रहिएगा, पलटते रहिएगा वरना एक साइड से जल जाएंगे। और धीमी आंच में पकाइएगा ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। हमने अपना दूसरी तरफ अपना दूध गैस पे ऑन कर लिया है, इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें जो कॉफ़ी का हमने वो बना के रखा हुआ है, ये देखिए मैंने इसमें ये
इसका बिल्कुल स्पंजी बना लिया है, इसको हम थोड़ा डाल देंगे इसमें, बाकी हम ऊपर से डालेंगे। इससे हमारी कॉफ़ी बिल्कुल मार्केट स्टाइल आ जाती है। अब इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम अपनी कॉफ़ी कप में डाल देंगे। ये देखिए हमारे फ्रेंच फ्राइज फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए हमने अपने फ्रेंच फ्राइज प्लेटिंग कर लिया। अब इस पे ऊपर से हम थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देते हैं और टेस्ट बढ़ जाता है इससे। लीजिए प्रेजेंटेशन तैयार, कॉफ़ी की देरी है, कॉफ़ी आ जाए तो प्लेटिंग कर लेते हैं। हमारी ये लीजिए हमारी प्लेटिंग हो गई, कॉफ़ी विथ फ्रेंच फ्राइज। तो ये हमारा इवनिंग का नाश्ता तैयार हो गया, तो एंजॉय कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और टेस्ट भी करें। थैंक यू।